दिल्ली से मनाली का 12 घंटे का सफ़र करने के बाद जैसे ही आप मनाली पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है एक कम बजट वाले और एक अच्छे होटल की। साथ में बालकनी की खिड़कियों से आपको बाहर की वादियों का नज़ारा भी मिलता है। 700 में मिल रहा है रोहतांग पास, अटल टनल, सोलांग वैली, ये दोनों मतलब अलग अलग है ना। इसमें मणिकरण के लिए 700 और ये फर्स्ट डे के लिए। अच्छा, और जैसे अगर प्राइवेट करते हैं तो 2500 डे वन का। अच्छा, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ट्रैवल व्लॉग, दिस इज राशि और मैं पहुंच चुकी हूँ मनाली में। फ्रेश वगैरह होके निकलते हैं रोहतांग के लिए। तो आप पीक सीजन में आओगे तो आपसे कम से कम 5,000-6,000-8,000 भी ले सकते हैं वो, चाहे आप सोलो जाओ चाहे आप फैमिली के साथ जाओ। तो अगर आप ग्रुप में आते हो तो आपको थोड़ा सा ये कि कंट्री करके आप मैनेज कर सकते हो, और बाकी आप सोलो है तो आपको बहुत महंगा पड़ रही हूँ रोहतांग के लिए। और टैक्सी मेरी आ चुकी है, फटाफट से चलते हैं और रोहतांग का नज़ारा आपको दिखाते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप रोहतांग जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी ले रहे हैं तो आपको 700 रुपये पर हेड पे करना पड़ता है, वहीं पीक सीजन में आपको 1,000 से 1,200 रुपये पे करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ कश्मीर में ही बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, बर्फीली हवाओं का मज़ा लेने के लिए आप उसके अलावा और कहीं जा नहीं सकते? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। माना कश्मीर की सुंदरता तो अलौकिक है ही, लेकिन भारत में ऐसी कई जगह है जो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देती है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ जाने के बाद मेरी धारणा ही बदल गई थी। पिछली गर्मी में मैंने मनाली और रोहतांग की सैर की थी, ये सफ़र वाकई यादगार था और इसके बाद मनाली का रोहतांग मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक बन गया। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन अगर बात करें रोहतांग की तो इसका रास्ता ही आपका मन मोह लेगा। रोहतांग पास मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको मनाली से सुबह ही निकलना होगा। इसका कारण ये कि 3 बजे के बाद आप रोहतांग का चेक पोस्ट क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोहतांग पास कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैली को जोड़ता है, इसलिए हम सुबह निकलना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस रोड पर आपको गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है और ट्रैफिक मिलने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। वैसे तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके भी जा सकते हैं, उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। रोहतांग पास के लिए 550 रुपीज़ का उसमें चार्ज लगता है और आप अपनी पर्सनल गाड़ी से पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ के रास्ते बीच बीच में आप उबर खाबड़ और थोड़े संकरे मिलेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि आप लोकल टैक्सी ही लें ताकि आपकी यात्रा सुविधाजनक हो सके। रोहतांग पास हाइट पर होने की वजह से आपको यहाँ पर मौसम ठंडा ही मिलेगा हमेशा, चाहे आप गर्मी में आओ या सर्दी में। सर्दी में जब ज़्यादा ही स्नोफॉल होता है तो यहाँ का जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पूरा बंद कर दिया जाता है, इसलिए आप नवंबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पर घूम सकते हैं। इसके बाद अगर आपको घूमना है तो आपको रोहतांग पास आने के लिए वेट करना पड़ेगा मई और जून का, क्योंकि मई में यहाँ के रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। गुलाबा कोठी एक विलेज है, उसको पार करके आप गुलाबा पहुंच जाएंगे। गुलाबा सिर्फ एक ही यह है कि आप यहाँ पर फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो, बस ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह अगर रास्ते में आपको जाना है तो ये कि यहाँ पे गुलाबा के लिए ऑप्शन रहेगा। ये गुलाबा, चलते हैं अभी आगे। और इसके बाद जो रास्ता आपको मिलने वाला है ना वो इतना ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, द मोस्ट सीनिक व्यू आपको मिलने वाला है। चलिए शेयरिंग में करना चाहते हो टैक्सी तो आपको 600-700 मिनिमम इसमें मिल जाएगा। अगर आप पीक सीज़न में आओगे तो आपसे 1,000-1,500 से कम नहीं लेते पर पर्सन का। तो अभी क्या है, ऑफ सीज़न है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ कि वहाँ पर अभी किस तरह का वेदर है और स्नोफॉल कितना हुआ है, स्नो कितनी है वहाँ पर। अभी आना आपके लिए सही है कि नहीं तो आप उस हिसाब से प्लान करना।
अभी थोड़ी देर में हम रोहतांग भी पहुंच जाएंगे। मनाली से रोहतांग पहुंचने के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते ही है, डिपेंड करता है कि आपको ट्रैफिक किस तरह का मिलने वाला है। अगर ट्रैफिक नहीं होता तो आप आराम से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर बात करें मनाली से रोहतांग की दूरी की तो 53 किलोमीटर है टोटल। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसमें यहाँ पर 2-व्हीलर अलाउड नहीं है, तो आपको टैक्सी ही बुक करनी पड़ेगी, या फिर आप अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको परमिट लेना पड़ता है। परमिट आपको मनाली में ऑल रोड पर ही मिल जाएगा, आप किसी कैफ़े वगैरह से परमिट ले सकते हैं, जिसका प्राइस 550 रहता है। और अगर आप टैक्सी के थ्रू आ रहे हैं तो उसमें इंक्लूड रहता है। अब बात करते हैं आपके बजट की, कि अगर आप रोहतांग पास प्लान कर रहे हैं तो आपको कितना बजट लेके चलना है। कम खर्चे के लिए आप 2 या 3 ट्रैवल एजेंसी से बात कर सकते हैं, जो कि मनाली के मेन मार्केट में ही आपको लाइन से कई ट्रैवल एजेंसी मिल जाते हैं जो आपको गाड़ी की बुकिंग देते हैं। एक 7-सीटर गाड़ी के लिए आपको 4,000 से 6,000 रुपये के बीच में पे करना पड़ेगा। ये गाड़ी की हालत पर निर्भर करता है और आप कौन सी गाड़ी बुकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर भी। एसी गाड़ी पर पैसे ना वेस्ट करिए, क्योंकि मनाली का जो मौसम है वो ठंडा ही रहता है। तो आप अगर आप 7-सीटर गाड़ी ले रहे हैं तो 6,000 रुपये, बाकी ऑल्टो वगैरह का प्राइस यहाँ पर थोड़ा कम रहता है। बाकी आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको और कम प्राइस में बुकिंग मिल सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने 24 घंटे पहले बुकिंग करवा ली है तो आपको ये सबसे ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगी। अगर आपको अगले दिन सुबह 6 बजे निकलना है तो कम से कम एक दिन पहले यानी 2 बजे तक आप बुकिंग करवा लो। इससे क्या है कि आपके पैसे काफ़ी बच जाएंगे। अगर आप शुरू से ही अपने साथ विंटर वियर लेके चलेंगे तो किराए पर आपको गर्म सूट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी आप खर्चा बचा सकते हैं। लगभग 200 से 500 रुपए तक का खर्चा आपका बच जाएगा अगर आप गर्म सूट नहीं लेंगे। गर्मी हो या सर्दी हो, ग्लव्स साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि आपको ऊपर की तरफ हल्की फुल्की बर्फ़ तो हमेशा ही मिलती है। अब पेट पूजा करने का टाइम हो गया, अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो लंच टाइम भी हो गया, मेरा ब्रंच ही हो रहा है कह सकते हो। ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं, अब लंच ही सीधा। तो ये देखो इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में लंच करने वाली हूँ मैं। रोहतांग से पहले ये जो आपको जगह मिलने वाली है, यहाँ पर सारे सिर्फ रेस्टोरेंट है, मतलब बहुत कम जगह पर आपको इस तरह के मिलेंगे पूरे रास्ते में। तो बेटर है कि आप यहाँ पर खाओ, रोहतांग में इतना ऑप्शन नहीं है, आपको वहाँ पर मैगी वगैरह ही मिलता है, ऑमलेट वगैरह मिलता है। बाकी इस तरह के ढाबे आपको रास्ते में बस इसी जगह पे मिलने वाले हैं। चलो अपना लंच करते हैं। ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है और मुझे भी लगता है कि शायद स्वेटर पहन लेना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी अच्छी तो लग रही है लेकिन नुकसान भी कर सकती है। धूप तो बहुत तेज निकली हुई है। पराठा और ये है दाल, दाल फ्राई। चलिए फटाफट से लंच करते हैं और निकलते हैं रोहतांग की तरफ। बहुत जल्दी ही यहाँ पे शाम हो जाती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि रात होने से पहले पहले हम मनाली पहुँच जाए। वाह वाह, पहाड़ों के बीच में इस तरह से धूप में बैठ के गर्मा गर्म पराठा और दाल खाने का जो टेस्ट आ रहा है ना, हम भाई ये भी बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, मतलब ऊपर आके भी टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दाल में एकदम चटपटी स्पाइसी कर रखी है, बहुत ज़्यादा चटपटी है, और पराठे का साइज़ तो आपने देखा ही, बहुत बढ़िया रखा है। जल्दी से लंच कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं रोहतांग के लिए, थोड़ी दूर बचे हैं बस।
पहुंच गए हैं रोहतांग पास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं है नीचे की तरफ। तो अगर आपको थोड़ी बहुत स्नो चाहिए थोड़ी बहुत तो आपको थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रैक करके जाना पड़ेगा। हवा बहुत तेज चल रही है, मैं लेके जा रही हूँ। आगे एक बहुत सुंदर सी लेक है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ऊपर की तरफ। लेट्स गेट रेडी, ब्यूटीफुल व्यू। पार्किंग है और ये छू यहाँ पे रहती है। अभी तक जिस तरह की आपको लेक देख सकते हो सुंदर सी है, यहाँ पे लेक जो है वो बहुत खूबसूरत है। बाकी जब आप सर्दी के टाइम आओगे ना तो यहाँ पे आपको स्नोफॉल थोड़ी थोड़ी दिखना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो ये जो रोहतांग पास है वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप मई जून के टाइम आओगे, वाह, उस टाइम तो जब आप आओगे ना आपको इतनी खूबसूरत, मतलब ये कि बर्फ़ के बीच में से आपकी गाड़ी जाएगी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। मैं आपको वो क्लिप भी दिखाती हूँ एक बार, कितना खूबसूरत होता है वो नज़ारा। रोहतांग से वापसी में आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि रास्ता वही नहीं होगा जिस रास्ते से हम आए हैं। ये रास्ता रहेगा कोकसर वाया अटल टनल होते हुए मनाली की वापसी। अगर आप सिसु जाना चाहते हैं तो अपने टैक्सी ड्राइवर को बता दीजिए, आप सिसु भी जा सकते हैं। लेकिन आप गर्मी के टाइम सिसु जा रहे हैं तो वो वर्थ नहीं रहेगा। सर्दी के टाइम सिसु बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और वहाँ पर आपको बहुत सारी स्नो भी मिल जाती है, पिक क्लिक करने के लिए भी बेस्ट प्लेस बन जाती है वो। फिलहाल मैं अभी सिसु नहीं जा रही हूँ, मैं कोकसर और अटल टनल होते हुए वापसी कर रही हूँ मनाली की। यहाँ पर जब स्नोफॉल होता है तब ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो भी दिखाती हूँ मैं आपको, वो क्लिप भी ऐड करके दिखाती हूँ।
शुरू हो गई है, मिक्की माउस वगैरह है, ट्रैम्पोलिन है। जब स्नोफॉल हो जाएगा तब और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, और एक्टिविटीज़ के ऑप्शन भी आपके पास बहुत सारे हो जाते हैं।